लो जी, सबकी ख्वाहिश होती है घोड़ी चढ़ने की। आज अमित भाई की भी पूरी हो रही है। में ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। भागी भागी वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। तो आज है मेरे दोस्त के भाई की शादी, तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। दीपक नाम है उसका दोस्त का, और अमित की शादी है, तो दीपक अभी मेरा नीचे वेट कर रहा है। मैं हो चुका हूँ रेडी, अपना कोट उठाते हैं और चलते हैं नीचे। ये कोट प्रेस वगैरह सब है, चलते हैं नीचे जल्दी से। तो अभी हम रुके हैं शकरकंदी खाने के लिए, सामने दीपक भाई खड़े हैं। तो ये शकरकंदी वाले बहुत सारे खड़े थे, तो अभी सबके लिए शकरकंदी ले रहे हैं। ये देखो जी, आ गई हमारी शकरकंदी, हरी चटनी मार के एक नंबर की लग रही है। तो जी, काफी दूर आने के बाद एक हमें फाटक मिली है, अभी बंद है, काफी देर से यहीं खड़े हैं। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, ये वाटिका है, यहीं हमें आना है। ये है सफीदो जगह, डिस्ट्रिक्ट जींद। लो जी, फाइनली पहुंच चुके हैं पार्किंग में। ये पार्किंग है और सामने आर्य समाज मंदिर है। ये हमारी गाड़ी है, तो अभी इसमें सामान निकालते हैं और अंदर चलते हैं, वहाँ बारात रोक रखी है। ये मंदिर के अंदर काफी बड़ा हॉल है, यहाँ गद्दे डाल रखे हैं, सारे बैठे हैं। लड़की वाले भी आ चुके हैं लगन टीका करने के लिए। अभी अमित का लगन टीका होगा, उसके बाद फिर हम निकलेंगे यहाँ से। ये जिन्होंने सिर पे हाथ रख रखा है, ये लड़की के जो हैं वो दादा हैं। ये जो रीति रिवाज में होता है, ये लड़की का सामान है, कंगन वगैरह है, चूड़ी वगैरह, पजे वगैरह, ब्यूटी पार्लर की जो किट वगैरह होती है वो है। ये सूटकेस के पास अंकल और दीपक। तो जी, फाइनली सारा काम हो चुका है यहाँ का, अभी चलते हैं बारात लेके वाटिका पे। तो जी, अमित की घोड़ी रेडी है। अमित अपनी ड्रेस चेंज कर रहा है, पहले कोट पैंट डाला था ना, अब शेरवानी डाल रहा है। तो बस अभी रेडी करके अमित को लेके चलते हैं। लो जी, सबकी ख्वाहिश होती है घोड़ी चढ़ने की, आज अमित भाई की भी पूरी हो रही है। तो भाई, दीपक स्काई शॉट की पेटी ले आया, और थोड़ा दीपक परे ना कर ले, हल्का सा बस। Yeah.
लो जी बिजली बम की पेटी और आ चुकी है, अभी इसको बिछाएंगे। लो जी एक और बिछा दी। तो जी गेट पे आ चुके हैं, अमित की सालियां खड़ी हैं गेट पे, उनका वेट कर रही हैं। तो अभी चलेंगे, थोड़ी सी देर में आपको दिखाते हैं वहां का सीन। भाई बारात के मजे तो भाई दीपक ले रहा है, बड़ा बढ़ कर रहा है। जब से बारात चालू हुई है, गुड़चिड़ी स्टार्ट हुई है ना, जब से बड़ा बढ़ कर रहा है। और कहीं नाचो ना नाचो, पर गेट में तो भाई उदमस्तारना है जाटा ने। फाइनली जी गेट पे आ चुके हैं, तो अभी जुआरी वगैरह करेंगे, अभी त्रिभन वगैरह काटेगा और उसके बाद चलते हैं अंदर और वहां का सीन दिखाते हैं। ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढनी माचिस दे दे माचिस। मोड़ का फुला के बीच में दर्द हमने भी इधर जान तो कर लियो अपने आप।
बात हो गई। चलो 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 चलो, नहीं नहीं नोट दे दिए तो पर मसाला है। चलो जी फाइनली अमित की सालियां मान गई, अभी चलते हैं अंदर। तो जी अंदर आते ही मिठाई गुलाब जामुन रबड़ी ऐसी देखी दीपक और मेरे मुंह में तो आ गया पानी, अभी खाते हैं खाना। तो जी भूख लग रही है, अमित भाई और मैं दोनों कर रहे हैं डिनर। तो फ्रेंड्स मैं ड्रोन शॉट की वीडियो डाल रहा हूँ, आप ड्रोन शॉट एंजॉय करो। इसमें बीच में एक्चुअली हमारे पास मेमोरी कार्ड नहीं था, मैं भूल गया था, तो हमने एक दुकान से ख़रीदा था, चाइनीज़ था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा अटक रही है वीडियो। अब टाइम हो गया है फेरों का, तो फेरों के यहाँ आ चुके हैं। तो जी आपने इतना छोटा हुक्का नहीं देखा हुआ, ये देखो हमारे कैप्टन अंकल हैं आर्मी से रिटायर, और ये देखो हुक्का पीने लग रहे, कितना छोटा है। फाइनली फेरे स्टार्ट हो चुके हैं।
जिसने शादी के बाद वचन ना सुने हो वो सुन लो, पंडित बोल बताने लग रहा है क्या वचन होते हैं। कोई हवन ये करना है तो उसमें भी आपको हमें सहमति लेनी होगी, उस पास करनी रुपए कल हवन कराओ पैसो कराओ या ना कराओ, ठीक है। बोले विष्णु भगवान बलि करेंगे, देखो ये विष्णु भगवान को साक्षी मानकर अपना हवन लिया वचन दे दिया है, क्योंकि मनुष्य का तो गलती हो पुतला है उसको बोलना ना करो, ठीक है। उसने बोलना है बेटे यहाँ कर लेगा, तो विष्णु भगवान को छोड़ दिया अपना, तो विष्णु भगवान बने गए। लड़की दूसरा वचन मांगती है, यदि ये यदि दान को यार तो सम्मति सम्मति का नाम है, लड़की क्या है कि शादी के बाद कोई दान देना गऊ का दान है पैसे का किसी चीज़ का है, तो उसमें भी आपको मेरी सहमति है नहीं पूछताछ करनी होगी, बोले विष्णु भगवान बलि करेंगे। हाँ है तो कौन सुनना चाहिए। तीसरा वचन है अवस्था मम अनुकूल, लड़की कहती है जीवन में तीन अवस्थाएं होती है, बाल युवा बुढ़ापा, बाल अवस्था तो यहाँ गुजरेगी, जवानी बुढ़ापा बाप के साथ मिल जाएगा, जिस तरह जवानी के अंदर बांध दे उसे बुढ़ापे में साथ देना पड़ेगा, बोलो विष्णु भगवान बलि करेंगे बलि करेंगे। चौथा वचन है धन आदि को पढ़ने में सब बच्चे डल की कहती है कि जीव लगता है अकेले कमाओ दिखाओ दे कुछ दे ना दे बताना पड़ेगा किसी भी कितने कमाओ हाँ तो देना पड़ेगा हिसाब दो जब ये बात करेंगे, ये बातें भी आपने बतानी पड़ेगी, सासू धन बताना पड़ेगा भाई यू काम करना यू नहीं करना है, उसके बाद में आपके बाग में आऊंगा, बोलो विष्णु भगवान बलि करेंगे। लड़की पांचवा वचन मांगती है नवादी के यहाँ पिछले पशु मम कर बना दो, लड़की कहती है कि कोई चीज लेनी है खरीदनी है गाय पशु का ठीक है, तो गाय पशु को लगता है नगर ठीक हो रहा कोई मकान नहीं है, तो उसमें भी आपको हमेशा मछली पूछताछ करनी है, बोले विष्णु भगवान। छठा वचन कहती है वसन खट्टा जी मम पालो को, लड़की कहती है कि साल में चाहिए तो है ऋतु के अनुसार खान पान वस्त होने चाहिए, तो मैं आपके बांग में आऊँ, बोले विष्णु भगवान। लड़की का सातवां वचन जो सातन वाली छोड़ो इसमें सब सोचने की बात पहले लड़की कहती है सखी मम हास्य कटु आप कहना बदे थे तम वाम बाबा कह अच्छा मैं लड़की कहती है कि मैं अपनी सास से लिखे बीच में बैठी हुई हूँ आप कहीं बाहर से आगे आप ना कि मेरे को ना गल गलो देना है मीठे शब्दों में बोलना ठीक है ना, अंदर जाके कुछ लिखो अंदर उनके सामने नहीं मैं वो करने मतलब बेइज्जती नहीं करनी है कुछ भी लगा लो तो वहाँ मीठा बोलना अंदर जाके तो कुछ भी कहो बोलो ऐसा ही होगा ठाठो लड़की के सात वचनों को मेरे को मानना है तो मैं आपको मांग मैं अपनी पत्नी स्वीकार कर लूंगा, लड़का कहता है आ दो धर्म धर्म कुटुंब सुखदाम इष्टापया भाषणी ओ दलस्य निवाय का सुख अनुवचनी, लड़का कहता है कि आज के बाद जब शादी हो जाएगी ना शादी हो जाएगी इसके बाद जिस देवी देवता को मानते बेटा उसी को आपने मानना है, शिव जी ने माना तू माता ना मानो लड़ाई यही जाएगी फायदा जैसा ये मानना वैसे आपने माना जो यहाँ लग के ये थी आपने ही छोड़ के जाना है इनकी नीति को अपनाना, जैसे ये कहेंगे हम शिव जी ने मानना है माता ने ना मानना तो वही आपने मानना है, बोले विष्णु भगवान बलि कहेंगे। दूसरा वचन है वो भी आओगे जिसमें सब सोचता है आओगे मानने की बात यह है, लड़का दूसरा वचन आता है हमारे पुत्र सुख देने वाली हो जो हमारा मकान कर पाई उसको सुख देने वाली हो तो बोले विष्णु भगवान बलि कहेंगे, मीठे वचन बोलने वाली हो तो दलस से नहीं हुआ कोई का तड़की चाय पैदे छो मैं का डगड़े का फायदे की है वो मीठा बोलना है और छो गुस्सा नहीं लाना अलस्य मतलब उन्होंने नौ लग बड़े सोए जाए सुबह जल्दी उठना चाहिए यही चीज़ों की आदत होगी तो अच्छा जाएगा, मैं यज्ञ का पालन करने वाली होनी चाहिए जो मेरे माता पिता है सासू सूसरे दादा दादी जो है उनकी सेवा करने वाली हो और जो मेरी बहन है जो आपके नंदे हैं उनसे न लड़ने वाली हो, अगर आप इन बातों को मानते हैं तो मैं आपको बांग में बोले विष्णु भगवान बलि करेंगे। चलो दोनों जने खड़े हो जो एक दूसरे का मुंह देखते हो नून चले जाओ आप नून चले जाओ नून वो जो खड़े आराम से खड़ा है बोली मंगल सूत्र मंगा लो इंटर लगा तो फाइनली फेरे ख़त्म हो चुके हैं तो खाने के एक टेबल रेडी है, जा रहे हैं हम सारे के सारे लड़की वालों के घर पे, वहाँ पे थाप्पे लगेंगे और फिर वहीं से ही विदाई होगी। लो जी आ चुके हैं लड़की वालों के यहाँ, सब ने गाड़ियाँ लगा दी अपनी पार्किंग में,
और ये अंकल देखो पेटी उठा रखी है स्काई शॉट की। तो जी देख लो, जिसको नहीं पता थप्पे ऐसे लगते हैं दीवार पे। ये देखो लड़का लड़की अपने हाथ लगाते हैं यहाँ मेहंदी के। बाकी बराती जी यहाँ रूम में बैठे हैं सारे के सारे। भाई यो हमारा दीपक भाई नहीं मान रहा, यो जब ते आए है ना जब ते यो बम्बो में लाग रहे। फाइनली जी निकल रहे हैं अब हम यहाँ से और आपको चलते हैं बहादुरगढ़ पहुँच के वहाँ का सीन दिखाते हैं फिर। चलो जी हम भी निकलते हैं, ये रही हमारी स्कॉर्पियो की चाबी, निकालते हैं अपनी गाड़ी। फाइनली जी बहादुरगढ़ पहुंच चुके हैं, रात को 10 बज गए। ये रही गाड़ी और ये रहा दीपक का घर और ये रही दूल्हे की गाड़ी। ये देखो भाई दीपक यहाँ भी लग गया और आंटी आ चुकी है लेने के लिए। आगे आ जाओ आगे। सौ रुपए कट्ठे दे दो। एक और जोड़ देना है। भाई छोड़ ले, कपड़े ऐसे काट देने लगता है।
तो अभी यहाँ लगेंगे थापे दोनों के। लो भाई कोट पैंट पहन के बैठ के मोहित की रिक्शा में। ये देखो भाई सारे के सारे शादी में घूम के आए हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।